महाराष्ट्र असेंबली एन्निकल पै फोकस पेट्टिंदी कांग्रेस अधिष्ठानम हरियाणा एन्निकल फलितालतो अप्रमत्तमैन हस्तम पार्टी पक्का प्रणालिकतो महाराष्ट्र एन्निकलकु वेल्लालनी चूस्तोंदे अंदुलो भागंगा इवाल एआईसीसी चीफ खर्गे लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी अध्यक्षतन महाराष्ट्र कांग्रेस नेतलतो समावेशं निर्वहिंचनुन्नारु समावेशंलो एन्निकल व्यूहालु सीट शेयरिंग पै चर्चिस्तामन्नारु आ राष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले असेंबली एन्निकल्लो महाविकास अगाडीतो कलिसि पोटी चेस्तामन्नारु नाना पटोले। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहां पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहां पर आज तय की जाएगी। देखो वो तो हमने उस स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है, थोड़ी रही है तो कल और परसों की मीटिंग में खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, महाविकास अघाड़ी करके ही हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है वो तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार वो तो उन लोगों ने बहिर्गमन कर लिया, तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास अघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र की महाराजद्रोही सरकार, शिवद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हमारा महाराष्ट्र शौफुले अंबेडकर विचारधारा का है, वहाँ पर मोदी और शाह के विचार नहीं चलेंगे। वो जिस तरह से मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम कार्ड बना के रखा है वो अब हम नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र को लूट कर उनने जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है और ये लड़ाई हम जीतेंगे। ये नहीं लगता है कि तुम कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हो, हरियाणा की बात करके एक तरह जो गलत सरकार है, जो केंद्र की सरकार है जिस तरह की भूमिका ले रही है। 10 साल के बाद चुनाव आए, 370 हटाए, तो वहाँ बीजेपी तो वन साइड आना चाहिए था, तो कश्मीर के बारे में क्यों नहीं मीडिया चर्चा करती है, कश्मीर की चर्चा क्यों बंद की जाती है। 10 साल चुनाव नहीं होने दिए तो ये तो सबसे बड़ा निर्णय वहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता ने लिया है कि बीजेपी को वहाँ से सत्ता से तड़ी पार किया है। तो हमारा मकसद एक ही है कि हरियाणा की जो बात कर वो कितने वोटों से जीते हैं, वैसे तो हमारी वोट ज़्यादा है पर ठीक है, जीता वो सिकंदर, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा उससे बात करने से कश्मीर की बात, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल से लोकशाही का जो गला घोट के रखा